हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एसके कैपिटल रखिएगा, फिर स्पेस, फिर ऑनलाइन स्पेस, फिर सी कैपिटल क्लासेस का रखिएगा, तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी सर्च हो जाएगा। आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर एक लोगो लगा होगा, आपको बैकग्राउंड नहीं लगा है, लोगो केवल लगा है, आप लोग लोगो देख लीजिएगा और उसमें येलो कलर का लोगो है, तो आप लोग वहां से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको डायरेक्टर मनोहर रे हर्षरूप शर्मा की बुक, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कक्षा 10 की मैथ आप पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को आज, तो देखिए मैंने पढ़ाया था आप लोगों को अध्याय द्विघात समीकरण पर्सनली 4.F आपको बतानी है, 4.F आपको चल रही होगी, आप लोगों ने अच्छे से देखा उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। देखिए 4.F में मैंने आपको फोर्थ नंबर तक क्वेश्चन बता दिए थे, आज आपको बताना है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। आप लोग फिफ्थ सिक्स देख लीजिए, आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो मैं बुक को इधर कर दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। जी देखिए क्वेश्चन आपके पास जे रहा आ गया, क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि रूट एक्स प्लस टू एक्स बराबर दो को हल करना। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब आप लोग समझिए, इसको हमको हल करना है, हल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये रूट होना चाहिए, हटना चाहिए, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे, पिन थोड़ा नया है आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट एक्स लिखेंगे, ठीक जे आ जाएगा हमारे पास वन माइनस का टू एक्स, पिन नए पिन की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ठीक तो जा जाएगा रूट एक्स बराबर वन माइनस का टू एक्स, हमने फिर से लिख दिया। देखिए इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, हम वर्ग करने पर, जब वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर यहां जाएगा अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा वन माइनस का टू एक्स का होल स्क्वायर। इसका जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आप लोगों को पता होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी होता है, आप लोगों को भी पता है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है अच्छे से। ठीक अब देखिए यहाँ पे हम इसका होल स्क्वायर से हमारी कर्णी खत्म हो जाएगी, तो जी एक्स बचेगा, जी बचेगा एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर माइनस का दो गुणा एक गुणा टू एक्स, ठीक है जी आ जाएगा एक्स बराबर एक प्लस दो दुना चार एक्स स्क्वायर माइनस दो दुना चार एक्स, ठीक जी आ गया आपके पास एक्स। अब देखिए इसको इस तरफ जाएंगे तो जा रहेगा हमारे पास फोर एक्स स्क्वायर माइनस की फोर एक्स माइनस का एक्स प्लस का वन बराबर हो जाएगा हमारे पास जीरो। अब देखिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के फाइव एक्स और प्लस का वन बराबर जीरो। अब इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने पे हमें आना चाहिए क्या, चार एकम चार फर्स्ट लास्ट का गुणा करें, आप लोगों फैक्टराइजेशन हमने ऐसे ही बताया, फर्स्ट लास्ट का गुणा करेंगे, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जोड़ने या घटा गुणा करने पे चार आ रहा है, जोड़ने या घटाने पे चार आने चाहिए, और जोड़ना या घटाएंगे तो हम क्या आ जाएगा माइनस का पांच, गुणा करने पे चार, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा चार एकम चार और चार और एक हो जाएंगे हमारे पास पांच प्लस का वन बराबर जीरो, ठीक है। अब देखिए यहां से अब इसको हम कॉमन ले लेंगे, दो दो के पेड़ बन जाएंगे, यहां बन जाएगा हमारे पास फोर एक्स, तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस का वन, यहाँ माइनस का वन ले लेंगे तो जाएगा एक्स माइनस का वन बराबर जीरो, ठीक तो जा जाएगा x माइनस का वन और जा जाएंगे फोर एक्स माइनस का वन बराबर जीरो, जी हमारा क्या फैक्टर आ जाएंगे। अब इसके हमें रूट निकालना है मान, तो x बराबर जब x माइनस वन बराबर क्या करेंगे जीरो, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास एक, ठीक है ठीक जी आ जाएगा फोर एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो फोर एक्स बराबर आ जाएगा एक, तो x बराबर हो जाएगा वन बाई फोर हमारा आंसर हो जाएगा, आप लोगों को पता आप लोग जानते हैं, तो हमारे जो मान आ जाएंगे अतः x बराबर आ जाएगा एक बटे चार कमा एक हमारा आंसर हो जाएगा। जी आपका हो गया चार नंबर पांच नंबर क्वेश्चन, अब आपको बता रहे हैं हम छह नंबर क्वेश्चन, ये देखिए छह नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको बताना है कि वह संख्या कौन सी, धनात्मक संख्या कौन सी है, तो लिखेंगे माना धनात्मक संख्या क्या एक्स है, हमने मान लिया है एक्स दिया हुआ है, तो देखिए हमने जो धनात्मक संख्या उसके धनात्मक वर्गमूल, इसी संख्या का वर्गमूल हमारे पास एक्स प्लस रूट एक्स का योग हमारे पास कितना दिया है 12, तो वर्गमूल की जो संख्या होगी हमारे पास क्या हम मान लेंगे यहाँ पे अंडर रूट एक्स, इन दोनों का योग दिया है 12, अब संख्या निकालनी है तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट एक्स बराबर आ जाएंगे 12 माइनस का एक्स, ठीक फिर वही काम करना है जो अभी पीछे हमने बताया, दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम वर्ग करने पर, वर्ग कर देंगे
वर्ग करने पर, अब वर्ग कर दें तो क्या जाएगा, अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर बराबर 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये काट देंगे तो ये बचेगा एक्स बराबर इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 12 बार हम हो जाएंगे 44 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 12 दूनी 24 एक्स आ जाएगा। ये सब ले आएंगे तो क्या जाएंगे हमारे पास कितने, एक्स स्क्वायर माइनस के 24 एक्स माइनस का एक्स प्लस का हो जाएगा 144 बराबर 0 आ जाएगा। अब देखिए ये आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 25 एक्स और प्लस के 144 बराबर 0। अब आप लोगों को इसके फैक्टर करना है, फैक्टर करिए, फैक्टर करने के बाद अब आप लोगों को इसको जोड़ना और बताना है। तो फैक्टराइजेशन ये आप लोगों को करना है, आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपको सिर्फ होमवर्क है, इतना करना है, सिर्फ फैक्टर करके आपको आंसर कमेंट में बताना है, कमेंट में आप बताइएगा, ठीक है। अब बताते हैं आप क्वेश्चन नंबर आपको 7, ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है आपके पास, लिखा है ये किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है, संख्या बताओ, हमको संख्या बताना है, लिखेंगे माना क्या, माना संख्या हमारे पास क्या है x, हमने संख्या जो थी हमने क्या मान ली, x मान ली, ठीक, x मानने के साथ साथ अब आपको क्या करना है, वो संख्या मान ली है हमने x, अब हमें बताना है उसके व्युत्क्रम का योग कितना है 4, जो संख्या है और इसी का व्युत्क्रम मतलब क्या होता है हमारा 1/x, तो इसका अगर हम व्युत्क्रम निकालेंगे तो हमारा क्या जाएगा 1/x, तो व्युत्क्रम का जो योग है कितना 4 है, लिखेंगे x प्लस का 1/x बराबर क्या हो जाएगा 4, तो यह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स बराबर इसका गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर आ जाएगा 4x, ये सब लेंगे तो चला जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 1 बराबर 0। अब देखिए गुणा करने पे हमें मिलना चाहिए 1 और जोड़ने या घटाने पे मिलना चाहिए हमको माइनस का 4, तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिसका गुणा करें 4 मिल जाए और जोड़ने या घटाएं तो 4 मिल जाए, सॉरी गुणा करने पे 1 मिले, जोड़ने या घटाने पे हमको 4 मिले, है नहीं, तो यहाँ पे हम याद करेंगे इसको श्रीधराचार्य जी को, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि श्रीधराचार्य जो हमारे धराचार्य जी थे उनके फार्मूले क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2ag को याद करेंगे और इससे आपको फार्मूला, इस फार्मूले से आपके आंसर मिल जाएगा, तो आप लोग इसको लगाइएगा, कोशिश कीजिएगा लगाने की, जी आप लोगों को लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने बताया इसकी व्यापक समीकरण से तुलना कर लेना, तुलना करने के बाद इस पे मान रख देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। मैंने आपको मूल सूत्र से लगाने के लिए फार्मूले बताए थे, उसी का यूज करना है, आप लोग वहां से लगाइएगा, ठीक है। जी हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, अब आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का योग 13 उनके वर्गों का योग कितना है 889 दिया हुआ है, तो संख्याएं ज्ञात करना है, तो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना, माना जो हमारी क्या संख्याएं जो होंगी हमारे पास, माना दो संख्या हमारे पास क्या हो जाएंगी एक्स वा वाई है, ठीक एक्स वा वाई है, तो हमारा क्या इन दोनों का योग कितना दिया है एक्स प्लस का वाई दिया हमारे पास 13, इसको मान लें क्वेश्चन फर्स्ट, और इनके वर्गों का योग कितना दिया है हमारे पास 89 दिया, तो वर्गों का योग x का स्क्वायर कर देंगे y का स्क्वायर कर देंगे, ज्यादा जाएगा वर्गों का योग मतलब जो संख्या हमने मानी इनकी वर्ग करेंगे उसके बाद हम उसको क्या जोड़ देंगे, तो हमारा क्या 89 मिलेगा, एक क्वेश्चन आ जाएगी हमारी सेकेंड। अब देखिए हमको ज्ञात करना है कि x और y के मान मिल जाए, तो हम लिख सकते हैं क्या करेंगे समीकरण 1 का अगर वर्ग कर देंगे तो ये मिल जाएंगे हमें, लेकिन गुणनफल आ जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे x बराबर आ जाएगा 13 माइनस वाई, ठीक, तो ये समीकरण आ जाएगी हमारे पास 3, यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में कहां रख देंगे, रखने पर जब 2 में रख देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने के नौबत पे आ जाएगा, कैसे आएगा अब आपको हम दिखाते हैं, देखिए लिखा हुआ है क्या आ जाएगा 13 माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 89,
ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे लगाइए, कोशिश कीजिए और समझिए। यहाँ पे इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर 169 प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 13 दूनी 26 वाई और प्लस का जी हमारे पास वाई स्क्वायर बराबर आ जाएंगे 189। अब देखिए ये वाई वाई हो जाएंगे हमारे पास 2y² माइनस का 26y और प्लस का 169 माइनस का 89 बराबर हो जाएगा 0। अब इसको हम काट देंगे तो जा जाएंगे 2y² माइनस के 26y। अब देखिए 9 से 9 घटा देंगे 0, 16 में 8 घटाएंगे 8 आ जाएंगे हमारे पास प्लस के 80 बराबर 0। जी हमारा समीकरण बन गया। देखिए इसमें 2 से हमारा भाग चला जाएगा, भाग दे देंगे जा जाएगा y² माइनस के बचेंगे 13y और प्लस के आ जाएंगे 40 बराबर 0। अब देखिए अब आप लोगों को करना है यहाँ पे फैक्टर 40 का गुणा 1 में करेंगे, 40 1 गुणा 40 हो जाएंगे हमारे पास 40, गुणा करने पे 40, जोड़ने या घटाने पे हमको क्या मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए 13। 8 पंचे होते हैं 40, 8 और 5 होते हैं हमारे पास 13। तो आप लोगों को फैक्टर मिल गए, क्या लिखेंगे y² माइनस का 8y माइनस के 5y प्लस के हो जाएंगे 40 बराबर हो जाएगा हमारे पास 0। तो अब देखिए यहाँ पे 0 आ जाएगा और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि इससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगी तो आप वहां से उसका लाभ ले सकते हैं। और आज आपका वीडियो जो लॉन्ग वीडियो बनेगा, आप लोगों को कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया तो इस वजह से आप लोगों को लॉन्ग वीडियो ही अपलोड होगा, तो देखिएगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश की जा रही है, आप लोग भी समझते रहिएगा। अब देखिए यहाँ पे इसके फैक्टर कर देंगे, दो दो के पेयर बन जाएंगे, ये बन जाएगा वाई तो दिया जाएंगे वाई माइनस के 8, दिया जाएंगे माइनस के 5, दिया जाएगा वाई माइनस के 8 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अब हम ले लेंगे वाई माइनस का 8, हमको ये और ये काउंट मिल जाएगा और ये बच जाएगा वाई माइनस के 5 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे हमें वाई का मान निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे जब वाई बराबर वाई माइनस का 5 बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 5 और जब निकलेंगे y माइनस का 8 बराबर 0 तो y बराबर आ जाएगा 8। हमें y के मान मिल गए 2, ठीक। अब जब y का मान मिल गया हमको 2 तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे अब रखेंगे हम क्या रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण इसमें रखेंगे 3 में रखने पर, जब रख देंगे तब वहां से देख लेंगे हम क्या यक्स बराबर आ जाएंगे 13 माइनस के 5 तो बराबर आ जाएगा हमारे पास 8, फिर यक्स बराबर रखेंगे 13 माइनस के 8 बराबर आ जाएंगे 5। देखो संख्याएं हमारी दोनों सेम आ रही, इस वजह से हमारी वे क्या अता में लिखेंगे, अता वे संख्याएं हमारी पास क्या हो जाएंगी 5 और 8 होंगी, तो जी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। आप लोगों को आंसर मिल गया होगा, बहुत आसान बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया गया, आपने लगाया कोशिश किया, हमको अच्छा लगेगा, ठीक है। अब आपको हम दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, हमारे पास 2 सही 1/20 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, आप संख्या को बताइएगा, तो संख्या बताना है आप लोगों को, क्या करना है लिखेंगे, फिर आपको सेम क्वेश्चन दिया माना वह संख्या हमारे पास क्या है, हमने मान ली x, इसका जो व्युत्क्रम है हमारे पास क्या आता था, व्युत्क्रम जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम 1/x होगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए व्युत्क्रम जो हो गया तो अब आप लोगों को लगाना है x, तो x का मान 1/x, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि इन दोनों का योग कितना है, ये दिया है तो लिखेंगे क्या एक्स प्लस का 1/x, संख्या और व्युत्क्रम का योग हमारे इसके बराबर है, ये आपको सवाल में बताया जा रहा है, वो सवाल बोल रहा है क्या किसी संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/40 है तो संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो क्या ज्ञात करेंगे, माना वह संख्या x तथा व्युत्क्रम 1/x होगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1/20 जो सही 1/20, तो 40 एकम 40, 20 दुना 40, 40 और 1 हो जाएंगे हमारे पास 41/20, इसको सॉल्व कर लेंगे x² प्लस का 1/x
इसका यहाँ से हम क्या क्रॉस गुणा कर देंगे, जी आ जाएगा 20x² प्लस का 20 बराबर आ जाएंगे 41x। अब देखिए इसको इस तरफ ले जाएंगे तो आ जाएंगे 20x² माइनस के हो जाएंगे 41x और प्लस का 20 बराबर 0। अब इसके आप लोगों को फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर करना है, आप लोग फैक्टर कर सकते हैं, आप लोग कीजिएगा। यहाँ पे फैक्टर कीजिएगा कि 20 एकम 20, यहाँ पे गुणा करने पे हमको क्या मिलने चाहिए, 20 दुना 400, मतलब 400 मिलना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे हमको 41 मिलना चाहिए। आप लोगों को ये आपका होमवर्क है, इतना क्वेश्चन आपको करना है। आप लोगों को फैक्टर मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताए थे, समझाए हुए थे, जो फैक्टर आ जाएंगे वही हमारी संख्या यक्स का मान हो जाएगा, ठीक है। अभिष्ट संख्या वही ले लेंगे और व्युत्क्रम उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। लगाइएगा, कोशिश कीजिएगा, समझने की समझदार हैं आप लोग। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई समस्या कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, सर अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो आप बताइए, उस चीज को हम उसको हल करेंगे, उस समस्या को दूर करेंगे, आप लोगों को उससे अच्छा भी पढ़ाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्या चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, बाय बाय, कल फिर मिलते हैं।